हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडू प्लान। दिस इज मी मुस्कान अरोड़ा। गाइस, आज की जो वीडियो का ट्रेलर है वो क्या था? हॉरर। इट मींस हम लोग जो स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं वो हॉरर स्टोरी है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, जब मेरा ये बैकड्रॉप स्टार्ट होगा तो मैंने जब गेम स्टार्ट होगा तो मैंने एक बैकड्रॉप बनाया। वॉन्ट टू सी द हॉरर शो, क्लिक हेयर, और फिर हमने ये कर लिया स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे न्यू पेज ले रही हूँ स्क्रैच का। आप सबको पता है स्क्रैच को ओपन कैसे करना है। स्क्रैच डाला हमने, स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम डॉट शेयर पे क्लिक किया, क्रिएट पर क्लिक करना है, और उसके बाद एक जो न्यू पेज है आपके पास ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट हम ये जो कैट की स्प्राइट है उसको हम डिलीट कर देंगे और हम जाएंगे यहाँ से बैकड्रॉप की। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ ये स्प्राइट बनाई है स्टार्ट की और ये मेरा क्या है बैकड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब मैं क्या करूँगी, बैकड्रॉप पे जाऊँगी, पेंट पे क्लिक करूँगी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द रेड कलर। ठीक है, आप ब्लैक कलर ले लेते हैं, चलिए ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक करने के बाद बकेट पे क्लिक करना है, कन्वर्ट टू बिट मैप, डबल क्लिक करेंगे आप तो ये बैकड्रॉप आ गया आपका ब्लैक कलर का। ठीक है गाइस, उसके बाद मुझे टेस्ट लिखना है, तो टेस्ट लिखने के लिए आई विल चेंज द कलर, आई एम टेकिंग हेयर रेड कलर, ब्लड रेड। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, वॉन्ट टू सी द हॉरर हॉरर शो। ठीक है, ये मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने क्या किया, आप कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं कोई भी टेस्ट जिससे आपको लिखना है। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे एज सेट कर दिया, वांट टू सी द हॉरर शो। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी क्लिक हेयर। ठीक है, इतना डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा वाइट करूंगी लाइक। और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है गाइस, इतना मेरा ड्रॉ हो गया। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं यहाँ पे एक लूँगी चूज स्प्राइट। ठीक है, चूज स्प्राइट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बटन। अब बटन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मैंने ये बटन ले लिया। अब देखिए ये ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का है, तो मैं क्या करूँगी इसके कॉस्ट्यूम में जाऊँगी, और कॉस्ट्यूम में जाने के बाद रेड कलर तो है ही, रेड कलर लेने के बाद हम इसको कर लेते हैं फिल। ठीक है, और इसको भी हमने कर दिया फिर। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें टेस्ट लिखना है, तो टेस्ट लिखने के लिए अब यहाँ पे हम ब्लैक कलर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है मुझे, वॉन्ट टू सी द हॉरर शो, क्लिक हेयर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, हम लिखते हैं स्टार्ट स्टार्ट। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। अब इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं वाइड कर लेती हूँ लाइक दिस दिस वन, हो गया। अब गाइस उसके बाद क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर स्प्राइट जो है अपलोड करनी है, कौन सी स्प्राइट अपलोड करनी है, विच की। तो गाइस विच की स्प्राइट जो है, अब मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे कॉस्ट्यूम्स उसके लिए, कॉस्ट्यूम में चली गई मैं, देखिए कितने सारे लिए हैं, दिस वन। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे कॉस्ट्यूम जो है मैं वहीं पर अपलोड करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैं कॉस्ट्यूम यूज़ कर रही हूँ वो सब मैं आपको दे दूंगी। ठीक है गाइस, उससे क्या होगा कि आप भी ये जो प्रोजेक्ट है इजीली बना सकते हैं। सारे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ एंड एक्सपोर्ट करने के बाद
वन बाय वन इसको मैं यहाँ पे एक्सपोज एंड दिस वन। ठीक है गाइस, सारे के सारे कॉस्ट्यूम मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैं अपलोड साइट पे क्लिक करूँगी। अपलोड साइट पे जाने के बाद डाउनलोड्स पे जाऊँगी और जो भी है कॉस्ट्यूम जो भी मैंने लिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये फर्स्ट वाला आएगा, इसको मैंने ओपन किया और ये यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया। ठीक है गाइस, उसके बाद मैं चली गई कॉस्ट्यूम में, बट ये मेरा फर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी एक और था दिस वन, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब मैं यहाँ पे वन बाय वन सारे के सारे कॉस्ट्यूम जो है वो ले लेती हूँ। ठीक है, तो मेरा ये फर्स्ट कॉस्ट्यूम है, इसको मैं रखूंगी यहाँ पर सेकेंड, के बाद अब वन बाय वन सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। इन कॉस्ट्यूम्स को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए अब मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, सीधा के सीधा अपलोड ही कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी मैंने कौन सा लिया है, फोर कॉस्ट्यूम्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया। ठीक है, अब मुझे करना है फिफ्थ वाला, हाँ दिस वन एंड फिफ्थ के बाद सिक्स एंड फाइनली सेवेंथ नंबर पर जो है दिस वन। ठीक है गाइस, ये सब कॉस्ट्यूम्स मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टार्ट बटन। तो व्हाट इंस्ट्रक्शन आई विल गिव इट, सबसे पहले जब हम फ्लैग को क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे ले लूंगी व्हेन फ्लैग क्लिक, इवेंट पे जाएंगे व्हेन फ्लैग क्लिक, तो ये जो मेरा है ये क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है गाइस, ये हो गया शो। शो करने के बाद क्या होगा, जब इस हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, तो हम यहाँ पे लेंगे इवेंट्स में जाके, जब हम स्प्राइट को क्लिक करें तो ये क्या हो जाए, ये हो जाए हाइट। तो लुक्स में जाके इसको हम करा देते हैं यहाँ पर हाइट। ठीक है गाइस, ये हो गई हाइट। हाइट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा गाइस, एक दूसरा बैकड्रॉप जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, कौन सा बैकड्रॉप आएगा, अब मैंने बैकड्रॉप भी बहुत सारे लिए हुए हैं, तो हम चले जाते हैं बैकड्रॉप पर और जो मेरा सेकेंड बैकड्रॉप है वो आना चाहिए। ठीक है, ये वाला, तो इसको भी मैं कर लेती हूँ एक्सपोर्ट। ये मेरा थर्ड बैकड्रॉप है, फिर ये वाला आ जाएगा। ठीक है गाइस, और एट द एंड में ये आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, बस सीधा सीधा मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और बैकड्रॉप अपलोड कर रही दिस वन। ठीक है गाइस, ये वाला। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कोड देना है स्टार्ट बटन को, कि जब मैं फ्लैग को क्लिक करूं तो ये शो हो, जब इस पर हम क्लिक कर दें स्प्राइट को क्लिक किया जाए तो ये हाइड हो जाए। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी ये हाइड हो गया। हाइड होने के बाद मेरा ये वाला बैकड्रॉप आ जाए। तो इस बैकड्रॉप को लाने के लिए गाइस हमें क्या करना है, हम जाएंगे लुक्स में और डाल देंगे स्विच बैकड्रॉप टू होरर न्यू टू। ठीक है, दिस वन। देखिए इसका नाम क्या है, कॉस्ट्यूम में जाके नाम देख लेते हैं बैकड्रॉप का, होरर न्यू टू। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। ये आने के बाद क्या हो, इसके बाद गाइस हम इसको एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल में जाते हैं और दे देते हैं इसको ब्रॉडकास्ट, ये इवेंट में ये रहा ब्रॉडकास्ट मैसेज वन। ठीक है, जब हमारा बैकड्रॉप स्विच हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे हाइट के नीचे।
उसके बाद क्या होगा गाइस, जब इसको क्लिक किया जाएगा तो फिर ये दोबारा से ब्रॉडकास्ट 2 में पहुंच जाएगी। कितना मैंने कर दिया, व्हेन दिस राइट क्लिक हॉरर YouTube हॉरर वाला आ जाएगा आपका बैकड्रॉप न्यू एंड 2। उसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे म्यूजिक भी अभी लगा देते हैं। व्हेन दिस राइट क्लिक के बाद वॉल्यूम सेट कर देते हैं, वॉल्यूम साउंड पे जाएंगे और वॉल्यूम सेट करेंगे सेट वॉल्यूम टू कितने परसेंट, दैट्स योर चॉइस, आई एम टेकिंग हियर 50%, 50% मैंने कर लिया। और उसके बाद हम लेंगे कंट्रोल में जाएंगे और हम रिपीट का ऑप्शन लेंगे, रिपीट 10, और यहाँ पे अब हम साउंड में जाएंगे और यहाँ पे हम एक वॉइस को अपलोड करा देंगे। कौन सी वॉइस, थंडर, ठीक है, THU, ये रही थंडर, तो thunder.mp3 ये मैंने ले ली यहाँ पर। तो अब ये वाली जो वॉइस है यहाँ पर ये प्ले करेगी। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या हो, एक और जो हमें करानी है वॉइस में वो भी अभी करा देते हैं। तो इवेंट पे जाएंगे, व्हेन दिस टाइप क्लिक लेंगे, जब इस टाइप को क्लिक किया जाएगा तो इसको कंट्रोल में जाके इसको थोड़ा सा वेट कराएंगे, वेट करा देते हैं इसको 10 सेकेंड का। और 10 सेकेंड का वेट कराने के बाद वही हम साउंड पे जाएंगे और इसकी वॉल्यूम को सेट कर देंगे। तो ये हम ले लेते हैं सेट वॉल्यूम टू 100%। आफ्टर दैट वी विल गो टू कंट्रोल एंड टेक द ऑप्शन ऑफ फॉरएवर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लेंगे प्ले साउंड थंडर अनटिल डन दिस ऑप्शन, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके देखना है कि क्या हो रहा है। देखिए गाइस, अभी जब मैंने क्लिक किया तो मेरा यही बैकड्रॉप आया, लेकिन ये तो मुझे लाना ही नहीं था। तो अब मुझे क्या करना है, स्विच बैकड्रॉप टू लुक्स पे जाएंगे और हम लेंगे स्विच बैकड्रॉप टू, पहले दूसरा बैकड्रॉप आए, कौन सा आना चाहिए, बैकड्रॉप टू वाला। और ये वाला कब आएगा गाइस, ये आएगा जब इस साइट पे क्लिक किया जाएगा, व्हेन दिस साइट क्लिक, तो हमारा दूसरा बैकड्रॉप आ जाए। तो इवेंट में जाके लेंगे व्हेन दिस साइट क्लिक दिस वन एंड स्विच बैकड्रॉप टू होल्डर न्यू टू। अभी तक परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब हम थोड़े से इंस्ट्रक्शंस किसको देंगे, अब हम देंगे इसको जो हमारी है, देखिए परफेक्ट जा रहा है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे है ना। लेकिन इसको क्या देने हैं कि जब हम फ्लैग को क्लिक करें तब तो ये हाइड रहे, लुक्स में जाके इसको हम करा देते हैं यहाँ पर हाइड। ये शो कब करेगी, जब इसे मिलेगा मैसेज 1, तभी ये हमारी जो है शो करेगी। तो इसको हम दे देते हैं व्हेन आई रिसीव 2, मैसेज 1 और मैसेज 2, ठीक है। तो इवेंट में जाके इसको हम देंगे व्हेन आई रिसीव मैसेज 2। अगर हम 1 देते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम से आ रही है, लेकिन ये कैसे आए, ये मैं चाहती हूँ थोड़ी देर के बाद आए, ठीक है। तो अब इसको हमें मैसेज 2 देना पड़ेगा, लेकिन जब भी हम कोई मैसेज देते हैं उसको ब्रॉडकास्ट भी करवाना पड़ता है। तो गाइस ब्रॉडकास्ट तो हमने कराया ही नहीं है, तो ब्रॉडकास्ट कब कराएंगे, स्टार्ट बटन में जाके, यहाँ पे जाके हम लेंगे व्हेन आई रिसीव 2। तो उससे पहले व्हेन दिस राइट क्लिक ले लेते हैं, व्हेन दिस राइट क्लिक, और उसके बाद हम कंट्रोल में जाके इसको थोड़ा सा वेट करा देंगे, लाइक 7 to 8 सेकेंड का, 8 सेकेंड तक ही वेट करें और उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट करा दे मैसेज 2, ठीक है। तो हम जाएंगे इवेंट पे ब्रॉडकास्ट, ये हमने ले लिया, और अब न्यू मैसेज में जाके हम देंगे 2 करके हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है गाइस। इतना हो गया, अब इतना होने के बाद क्या करना है, अब मैसेज मिलेगा हमारे विच को, ठीक है। तो व्हेन आई रिसीव 2, जब इसको 2 मिलेगा तब ये शो करेगी, और इसका बैकड्रॉप कौन सा आएगा, सबसे पहले वाला आना चाहिए। तो इसके कॉस्ट्यूम में चले जाते हैं, दिस वन, इसका नाम क्या है, चंकी डोल 1। तो हम ले लेते हैं स्विच बैकड्रॉप 2
chunky doll one. Which costume to? This one. देखिए ये 7 है, हमें कौन सा लेना है? 2 वाला कौन सा है चेक कर लेते हैं. This one. ठीक है, यही वाला हमें लेना है. तो हमने ले लिया स्विच कॉस्ट्यूम टू शंकी डोल 1. ठीक है गाइस, इतना हो गया. उसके बाद क्या होगा? इतना करने के बाद गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इसका साइज जो है ना वो छोटा कर देना है, इसकी पोजीशन सेट कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन ले लेती हूँ. मोशन में जाके गो टू एक्स और पोजीशन आप कुछ भी ले सकते हैं. मैं यहाँ पे ले रही हूँ 62 ले लेती हूँ, माइनस के 62. ठीक है, जैसे मैं इसको मैसेज मिलेगा, इसको मैं लिंक को, ये देखिए यहाँ पे आ गई. आने के बाद अब इसका साइज छोटा कर देते हैं. तो अब हम लेंगे सेट साइज 2. ये रहा सेट साइज 2, ये मैंने ले लिया. और यहाँ पे 100 की जगह अब मैं डाल देती हूँ 5% इसका साइज जो है वो मैंने सेट कर दिया. ये देखिए यहाँ पे चली गई. उसके बाद क्या करना है? आपको रिपीट का ऑप्शन लेना है, कंट्रोल पे जाना है एंड विल टेक रिपीट. और 10 की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं रिपीट 12. फिर हम क्या करेंगे? हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि एक सेकेंड ये वेट करे और उसके बाद इसका इफेक्ट चेंज हो जाए. तो हम लुक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे चेंज इफेक्ट, चेंज कलर ले लेंगे. ठीक है, और कलर की जगह हम लेंगे घोस्ट इफेक्ट. घोस्ट इफेक्ट लेने के बाद इसको हम फिर से 1 सेकेंड का वेट कराएंगे और वेट करने के बाद लुक्स में जाके हम इसका जो ग्राफिक इफेक्ट है ना उसको हम करा देते हैं क्लियर ग्राफिक इफेक्ट. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका साइज जो है ना वो चेंज करवाते रहेंगे. तो चेंज साइज बाय 10 कर देंगे. ठीक है गाइस, फिर क्या करना है आपको? उसके बाद आपको रिपीट का ऑप्शन लगाना है. तो अब हम जाएंगे कंट्रोल में, रिपीट 10 की जगह हम ले लेंगे रिपीट 6. लेने के बाद हम यहाँ पे लुक्स में जाके लेंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम और वेट लेंगे. कंट्रोल में जाएंगे और ले वेट लेंगे, वेट 0.6. ठीक है, यहाँ पे डाल दिया 0.6. और इतना लेने के बाद हम फिर से इसको वेट कराएंगे 3 सेकेंड का. वेट करा दिया हमने इसको यहाँ पर. ठीक है, 3 सेकेंड का हम इसको वेट कराएंगे. 3 सेकेंड का वेट कराने के बाद हम इसको करा देंगे गाइस हाइट. ये रहा हाइट और इसको हमने करा दिया हाइट. अब इसको हाइट कराने के बाद हम फिर से लेंगे वेट 3 सेकेंड. कंट्रोल में गए हम और हमने ले लिया वेट 3 सेकेंड. ठीक है, और फिर अब हम क्या करेंगे? मैसेज प्रिंट करा देंगे. तो अब हम जाएंगे इवेंट में और ले लेंगे ब्रॉडकास्ट और यहाँ पे हम न्यू मैसेज दे देते हैं ब्लर. ठीक है, तो न्यू मैसेज में यहाँ पे डाल देती हूँ कि ये क्या हो जाए? ब्लर हो जाए. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस थे इसके, ये सब मैंने इसको दे. ठीक है गाइस, और दूसरी बात क्या है, इसको मैं देख लेती हूँ एक बार. 5 सेकंड के बाद इसको मैंने शो करा दिया मैंने इसको, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम नहीं लगाया. तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल पे जाके जब 5 सेकंड का वेट कराने के बाद मेरी ये शो करेगी. ठीक है, एकदम से शो नहीं करेगी. ठीक है गाइस, इतना मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए. अब इतना इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वर्क करेगी. गाइस सिर्फ एक ही वॉइस आ रही है, दूसरी वॉइस तो आई नहीं, थंडर की ही आ रही है दोनों जगह, क्योंकि मैं एक वॉइस को अपलोड कराना यहाँ पर भूल गई. ठीक है, कौन सी वॉइस? जी हॉरर शो की. तो यहाँ पे ये जी हॉरर शो जो है
करके हम इसको यहाँ पे अपलोड करा देते हैं। अपलोड कराने के बाद हम कोड पे जाएंगे और ये जो मैंने सेट किया ना 100% यहाँ पे हम ले लेंगे जी होल्डरशिप। ठीक है, तो जब आप इसको रन करेंगे क्रिएट हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो इतना करने के बाद मैंने क्या लिया था, मैंने वो लिया था वो जो कुल्हाड़े से वो जो व्यक्ति है ना वो वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए ये मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस इसको दिए थे। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जब ये मैंने लिया था ये वाला मैन विद एक्स वाला। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इसको देंगे जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम सारे एक ही बार में इसको यहाँ पे अपलोड करवा लें। ठीक है, तो अब मैं अपलोड साइट पे गई और वहां पे सबसे मैंने ले लिया, सबसे पहले मैंने ले लिया दिस वन। ये मेरा अब अपलोड हो गया। इसके कॉस्ट्यूम में जाऊंगी मैं और एक और अपलोड कॉस्ट्यूम में जाके इसका जो कॉस्ट्यूम है ना ये वाला इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लूँ। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद मैंने एक और लेना है बैकड्रॉप, इस ये मैंने लिया और ये लेने के बाद इसके कॉस्ट्यूम में जाके मैं एक और यहाँ पे ले लूँ दिस साइन। ठीक है गाइस, ये हो गया। फिर वन मोर, सारे एक ही बार अपलोड कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है गाइस, ये हो गया, अब ये सारे एक साथ आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मैं ये मैन विद एक्स को दूंगी, लेकिन दो जो मुझे ड्रॉ करने हैं वो भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक के बाद। तो यहाँ पे मुझे लाइन मैं काम करती हूँ, रेड कलर ले लेती हूँ इस बार। ठीक है, और रेड कलर से मैं क्या करूँगी, रेड कलर से मैं पेंट कर देती हूँ ऐसे। ठीक है गाइस, ये मैंने पेंट कर दिया। क्या करना है, एक और मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पर ये पेंट पे चली गई और अब मैं क्या करूँगी, मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेयर डिड शी गो। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मैं बिग कर दूंगी लाइक दिस और इसका जो टेक्स्ट है ये मैंने मार्कर में चेंज कर, Where did she go? ठीक है, और इसका मैंने एक और कॉस्ट्यूम यहाँ पे पेंट कर लेती हूँ, She went to punish ghost. ठीक है गाइस, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इतना होने के बाद इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर लेती हूँ लाइक दिस, She went to punish ghost. ये हो गया। एक बार मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, ये जो चंकी मैंने ली थी इसके कॉस्ट्यूम पे, इसको मैंने कौन सा मैसेज प्रिंट कराया था, ब्रॉडकास्ट ब्लर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ब्लर मैंने दिया था इसको। ये जो मैंने बैकड्रॉप बनाए हैं इन पे मैं चली गई, इवेंट पे गई और मैंने ले लिया वेन फ्लैग क्लिक और इन सबको मैं एक बार क्या करवा देती हूँ, हाइड करवा देती हूँ जल्दी से। ये रहा हाइट और इसको शो करवाऊंगी, मैं शो कब करवाऊंगी बाद में। ठीक है, ये मेरा हो गया, हट गया। इसको भी मैं क्या कराऊंगी, जब मैं फ्लैग को क्लिक करूंगी पेन फ्लैग क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, इसको भी मैं करा दिया हाइट। एक बार मैं सबको हाइट करा दी। ठीक है, ये भी हाइट हो गई। ये जो मैंने ली है इसको भी करा देते हैं हाइट और फिर एक ही बार अब मैं सबको इंस्ट्रक्शंस दे दूँ। जब भी हम किसी भी स्प्राइट को हाइट कराते हैं तो क्या होता है गाइस, उसको फिर हमें बाद में शो भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इवेंट
for to looks and we'll take height, and this one also event, and it will take height. ठीक है गाइस, अब मैंने जो लास्ट उसको मैसेज डिस्प्ले कराया था, क्या डिस्प्ले कराया था? ब्लर. अब वो जो ब्लर है वो किसे मिलेगा और वो कहाँ पे ओपन होगा वो हमें देखना है. ठीक है, अब वो जो ब्लर है वो मिलेगा स्टेज को. तो अब हम स्टेज पे चले जाते हैं गाइस, और एक बार मैं बैकड्रॉप में जाके देख लेती हूँ कि मैंने कौन कौन से बैकड्रॉप करवाए थे. दिस वन एक और करवाना है मुझे यहाँ पर, इसी के उस पर चले जाते हैं बैकड्रॉप पे. और बैकड्रॉप को हम क्या कर लेंगे, दिस वन, इसको मैं कर लूँगी एक्सपोर्ट, और इसे भी हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट. ठीक है, अब इसी को ही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ. जितने भी मैं बैकड्रॉप यूज़ कर रही हूँ, जितनी भी मैं स्लाइड्स यूज़ कर रही हूँ, सबका जो लिंक है आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है गाइस, एंड दिस इज द एंड. ओके, अब क्या होगा गाइस, जैसे हम फ्लैग को क्लिक करेंगे कोड पे चले जाते हैं. किसके, स्टेज के. स्टेज को इंस्ट्रक्शंस देंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं. सबसे पहले हम इवेंट पे जाएंगे, लेंगे इवेंट फ्लैग क्लिक. ये जैसे ही हम फ्लैग को क्लिक करें तो कौन सा स्टेज आए वो सब आई थिंक मैं दे चुकी हूँ उसमें. हाँ, अभी मुझे क्या करना है, मुझे लेना है व्हेन आई रिसीव ब्लर, क्योंकि मैंने ब्लर कराया था. तो हम ले लेते हैं यहाँ पर व्हेन आई रिसीव ब्लर, और ब्लर लेने के बाद हम ले लेंगे स्विच बैकड्रॉप टू होरर न्यू टू. देखते हैं ये कौन सा, इसका नाम क्या है, होरर न्यू वन. तो मुझे वन वाला लेना है, टू वाला नहीं लेना, होरर न्यू वन, दिस वन. ठीक है गाइस, इतना हो गया. अब मुझे रिपीट कराना है. क्या रिपीट कराना है, कंट्रोल पे जाके मैंने ले लिया रिपीट 10. 10 की जगह मैं यहाँ पे ले लूँगी 27. और अब मैं क्या करूँगी, इसका इफेक्ट जो है वो चेंज करा दूँगी, चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, और कलर की जगह मैं ले लेती हूँ फिशी. ठीक है गाइस, अब मैं एक और मैसेज डिस्प्ले कराऊँगी. मैं कंट्रोल पे गई और ये इवेंट पे, और मैंने दे दिया इसको एक और मैसेज. कौन सा मैसेज दिया मैंने इसको, न्यू मैसेज में मैं इसको डाल देती हूँ स्पीच. ठीक है, और मैंने कर दिया ओके. ठीक है गाइस, इतना मैंने कर लिया. इतना करने के बाद क्या होगा, ये सब देने के बाद अब मैं ये आ गई मैन विद एक्स पे. ठीक है, अब ये जो है मैन विद एक्स, इसको मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं. पहले तो मैंने दिया था कि जब फ्लैग को क्लिक होगे करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा. अब ये रिसीव कब होगा, अब ये होगा जब इसे मिलेगा मैसेज 3 या 2. ठीक है, अब मैंने अभी मैसेज 3 और 2 ये तो मैंने अभी दिया ही नहीं है, तो उसके लिए पहले मैं इस पे जाऊंगी. किस पे जाऊंगी गाइस, ये जो मैंने स्प्राइट ली थी वो, ये कब शो करेगी, ये वाली स्प्राइट शो करेगी जब इसे मिलेगा मैसेज. इसको क्या मैसेज मिलेगा गाइस, अब इसको मिलेगा स्पीच, व्हेन आई रिसीव स्पीच दिस वन, तब ये क्या करेगी, शो करेगी. ठीक है गाइस, शो करने के बाद कॉस्ट्यूम लगाएंगे इसका. कौन सा, लुक्स में जाएंगे और स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम वन कौन सा बनाया था हमने, ये वाला, वेयर डिड शी गो. तो हम लगाएंगे यहाँ पर कॉस्ट्यूम वन, और ये शो करेगी. उसके बाद ये वेट करेगी, वेट में जाएंगे, इसको वेट करा देंगे हम. कितना वेट कराना है, 3 सेकेंड का हम इसको वेट कराएंगे. फिर हम ले लेंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम. लुक्स में हम गए और हमने ले लिया यहाँ पर दिस वन, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम. नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेने के बाद हम फिर से कंट्रोल पे जाके वेट पे चले जाते हैं, और 1 की जगह हम ले लेते हैं 2 सेकेंड का वेट करा देंगे. और उसके बाद हम क्या कराएंगे गाइस, इसको हम करा देंगे हाइट, और हाइट कराने के बाद इसको हम न्यू मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट कराएंगे. अब हम कराएंगे ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट मैसेज. तो अब नेक्स्ट मैसेज हम इसको दे देते हैं ब्रॉडकास्ट 3. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने न्यू मैसेज ले लिया 3. ठीक है, अब मैं आपको इतना रन करके दिखाती हूँ कि क्या क्या हो. देखिए
अभी हमने स्टेज पे कुछ और मैसेज दे देते हैं इसको, जैसे मेरा ये वाला बैकड्रॉप आ रहा था जिस पर, अगर मैं ये ना लूँ और सीधा मैं यही ले लूँ तो भी सही रहेगा। ठीक है गाइस, तो मैं देखती हूँ कि मैंने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए थे। फर्स्ट स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप टू, स्विच बैकड्रॉप टू हॉरर न्यू टू। ठीक है, हॉरर न्यू टू की जगह कॉस्ट्यूम में जाएंगे बैकड्रॉप के और देख लेते हैं कि कौन कौन सा नाम है। हॉरर न्यू वन, ठीक है, तो उसको कोड दे देते हैं स्टार्ट में, हॉरर न्यू वन। ठीक है, सीधा यही वाला बैकड्रॉप आ जाएगा, उसके बाद वो ब्लर हो जाएगा। ब्लर होने के बाद ये आएगा मैन विद एक्स। तो गाइस अब इसे क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, अब इसे इंस्ट्रक्शंस हम लोग देंगे कि जब इसे मिलेगा क्या मिलेगा, व्हेन आई रिसीव थ्री। तो हम इवेंट पे जाके ले लेते हैं व्हेन आई रिसीव थ्री। ठीक है, मैन विद एक्स को जब इसे थ्री मिलेगा तो ये क्या करेगा, एक तो इसको हम पोजीशन दे देते हैं, लुक्स में चाहे मोशन में जाएंगे और इसकी पोजीशन सेट कर दी। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गो टू एक्स 36 एंड वाई की जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ -27। ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, कंट्रोल में जाएगा और ये वेट करेगा यहाँ पर 3 सेकेंड का। तो वेट 1 सेकेंड की जगह हम लेंगे वेट 3 सेकेंड और उसके बाद कॉस्ट्यूम इसका स्विच हो जाएगा। कौन सा कॉस्ट्यूम आएगा, एक मिनट, स्विच कॉस्ट्यूम टू मैन एक्स विद View one. Okay, देखते हैं। First वाला ये आना चाहिए, इसका क्या है, चलो हम यही लगा देते हैं प्रीव्यू टू। ओके, उसके बाद प्रीव्यू 2.2 आ जाएगा इसका। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हम उसको कराएंगे शो। तो अब हम इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये रहा शो का ऑप्शन। ठीक है, फिर हम जाएंगे कंट्रोल पे और यहाँ से हम ले लेंगे रिपीट 10। रिपीट 10 लेने के बाद हम लुक्स में जाएंगे और वहाँ से हम लेंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम दिस वन। ठीक है गाइस, ये हो गया, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम हमने ले लिया। उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल पे और लेंगे वेट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का वेट करेगा और फिर इसका जो कॉस्ट्यूम है वो क्या हो जाएगा गाइस, वो इसका चेंज हो जाएगा, सेम कॉस्ट्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे दिस वन। ठीक है गाइस, इतना हो गया और फिर अब हम इसको न्यू मैसेज दे देंगे, ब्रॉडकास्ट 4 नया मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे हम न्यू मैसेज में जाके दे देते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो गया 4। अब ये जो मैसेज है वो किसे मिलेगा, तो अब ये आएगी हमारी चंकी। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये मैसेज हमारा इसे मिलेगा चंकी को। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये भी तो तभी आएगी जब इसे 3 मिलेगा। हाँ जी, तो हम लेंगे यहाँ पे व्हेन आई रिसीव 3, ये मैसेज 3rd मिलेगा व्हेन आई रिसीव 3। तो ये क्या करेगी, इसकी भी पोजीशन सेट कर देते हैं, इसको भी बिठा देते हैं पोजीशन पर। इसकी पोजीशन ले लेते हैं हम गो टू एक्स, हमने ले ली -102 एंड जो वाई की पोजीशन है वो हम ले लेते हैं -117। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद कंट्रोल पे जाएंगे और इसको वेट करा दें, कितने सेकेंड का वेट कराएंगे इसको, अपने वेट कराते हैं 3 सेकेंड का। 3 सेकेंड का वेट कराने के बाद इसका जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज करा देंगे, स्विच कॉस्ट्यूम टू दिस वन। ठीक है, चंकी डोल 1। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा गाइस, उसके बाद ये करेगा शो, ये रहा। ये बात हमने ये लगा दिया। शो करने के बाद क्या होगा, ये बैक लेयर में चला जाएगा। गो टू फ्रंट लेयर लेंगे और फ्रंट की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे बैक लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल में जाना है, रिपीट का ऑप्शन ले लेना है, रिपीट 10। फिर हम क्या करेंगे, लुक्स में जाएंगे और लेंगे हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेने के बाद फिर से हम वेट कराएंगे, कितना वेट कराएंगे गाइस, वही 2 सेकेंड का वेट, 2 सेकेंड का ये वेट करेगा और फिर ये क्या हो जाएगा, फिर इसको करा दो फिर से हाइट, हाइट हो जाएगा। हाइट होने के बाद अब इसे न्यू मैसेज प्रिंट करा देंगे ब्रॉडकास्ट 5।
लुक्स में जाएंगे, सॉरी इवेंट में, और रिन्यू मैसेज कराएंगे ब्रॉडकास्ट 5। ठीक है गाइस, ब्रॉडकास्ट 5 हमने इसको दे दिया। अब ब्रॉडकास्ट 5 करने के बाद आपको क्या करना है, अब ये जो ब्रॉडकास्ट 5 है ये किसे मिलेगा गाइस, ये जो हमने ली है ना इसको, ठीक है। तो इसको अब हम करेंगे व्हेन आई रिसीव 5, ये जो हमने ली है ना चंकी दूसरे वाली, इसको हम करेंगे जब इसको 5 मिलेगा। तो क्या होगा गाइस, तो ये वेट करेगी 1 सेकेंड का, कंट्रोल में जाके इसे 1 सेकेंड का हम वेट कराएंगे और हम फिर इसको करा देंगे शो। तो लुक्स में जाके हम ले लेते हैं शो, शो हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करना है गाइस, इतना करने के बाद हमने ये जो ली थी इसको भी हम देंगे, हमने ये जो वो बनाई थी ना उसकी आईज में से वो जो निकलती है रेड कलर की लाइन वो, ठीक है। तो अब हम लेंगे यहाँ पे व्हेन आई रिसीव 5, व्हेन आई रिसीव 5, जब इसे 5 मिलेगा तब ये क्या करेगी, तब ये पोजीशन पे जाएगी। तो हम मोशन में गए और इसको हमने पोजीशन दी, क्या पोजीशन दे दी, गो टू एक्स, एक्स में हम डाल देते हैं यहाँ पर करेक्ट पोजीशन -78 और वाई में हम डाल देते हैं यहाँ पर 62। ये पोजीशन मैंने डाल दी, उसके बाद क्या होगा गाइस, कंट्रोल पे जाके मैं इसको वेट कराऊंगी, यानी कि 3 मिनट का 3 सेकेंड का ये वेट करेगी, उसके बाद ये शो हो जाएगी वो जो लाइन उसकी आईज में से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे रिपीट का ऑप्शन और रिपीट 10 की जगह हम ले लेंगे रिपीट 6, 6 टाइम रिपीट करेगी, फिर घोस्ट इफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लुक्स में जाएंगे और लेंगे चेंज घोस्ट इफेक्ट, चेंज कलर इफेक्ट बाय 25 एंड इंस्टेड ऑफ कलर वी विल टेक चेंज घोस्ट इफेक्ट 25, ठीक है। और फिर हम ले लेंगे क्लियर ग्राफिक इफेक्ट और फिर हम करा देंगे इसको ब्रॉडकास्ट 6। ब्रॉडकास्ट पे गए, न्यू मैसेज पे गए और हमने डाल दिया यहाँ पर 6 करा दिया गाइस। उसके बाद क्या होगा, इसी को ही जब 6 मिलेगा, व्हेन आई रिसीव 6, जब इसे 6 मिलेगा तो ये वेट करेगी, कंट्रोल में जाके हम वेट करा देते हैं इसको 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड का ये वेट करेगी और 4 सेकेंड का वेट करने के बाद ये हो जाएगी हमारी हाइट। तो हाइट कराने के लिए यहीं से डुप्लीकेट ले लेते हैं और ये हमारी हो गई, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, ये हाइट हो गई यहाँ पर और अब हम इसकी ले लेंगे एक डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हमने ले ली डुप्लीकेट आ गई, ठीक है। इसको भी हमें सेम से ही, जब हमने डुप्लीकेट ली तो सेम इंस्ट्रक्शंस इसमें भी आ गए। तो बस अब हमें इसमें क्या करना है, इसकी बस हमें पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। व्हेन आई रिसीव 6 ये 4 सेकेंड का वेट करेगी, हाइट हो जाएगी, सेम इंस्ट्रक्शंस आपको यही देने हैं। बस आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज कर दो, माइनस के डाल दो 100 और वाई की जो पोजीशन है ना गाइज वो हम डाल देते हैं 65, ठीक है। इतना हो गया, बाकी सेम इंस्ट्रक्शंस है। अब कौन रह गया, इसको हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस हमने दे दिए या नहीं दिए, ठीक है गाइस। अभी मैंने कितने दिए हैं ब्रॉडकास्ट, मैंने 6 लिए हैं अभी तक, देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस। अब इतना मैं आपको रन करके दी, गाइस अभी मुझे क्या करना है, स्टेज पे जाके ना मुझे इसका कलर भी चेंज करना है ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगे, ठीक है। तो स्टेज के जो ऑप्शंस है वो भी देने हैं अभी, उसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, आपको बताइए कि चेंज कलर इफेक्ट बाय लेते हैं मोस्टली, तो पहले वो सब इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। पहले मैंने लिया व्हेन आई रिसीव 1, जब इसे मैसेज 1 मिलेगा ना, तो क्या होगा, फॉरएवर में जाएंगे और इसका कलर चेंज करवा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे बैकड्रॉप,
लुक्स में जाएंगे और चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, ये हमने करा दिया। उसके बाद जब इसे 2 मिलेगा इवेंट्स में जाके, व्हेन आई रिसीव 2, जब 2 मिलेगा तो रिपीट 40 में कंट्रोल में जाके रिपीट 40 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 40 टाइम्स क्या होगा, इसको पिक्सल्स में चेंज करवा देंगे, तो चेंज पिक्सलेट, चेंज कलर लिया हमने तो इसमें डाल दिया और इसमें हम ले लेंगे पिक्सलेट, ठीक है। ये हो गया हमारा। इतना होने के बाद क्या करना है, ग्राफिक इफेक्ट, क्लियर ग्राफिक इफेक्ट, दिस वन ये हमने ऐड कर लिया, और बैकड्रॉप हम दूसरा ऐड कर लेंगे हॉरर न्यू वाला, खैर वो हॉरर न्यू यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं कि अब कैसा लग रहा है। चलो सेट कर देते हैं, इसको रखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, और ये जो है इसकी पोजीशन हम रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम थोड़ा नीचे रख लेते हैं, साइज छोटा कर देते हैं, लाइक 50 कर दो यार, और ठीक है। प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो मैन भी डेक्स है ना इसमें जाएंगे हम, और इसको कुछ और मैसेज देते हैं। क्या देनी है इसको, व्हेन आई रिसीव 6, जब इसको 6 मिलेगा तो क्या होगा, रिपीट 5 में जाएंगे, कंट्रोल पे मैं जाऊंगी, और कंट्रोल पे जाके मैंने ले लिया यहाँ पर रिपीट, और यहाँ पे 10 की जगह मैंने ले लिया 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा गाइस, चेंज घोस्ट इफेक्ट कर देते हैं, लुक्स में जाके थोड़ा सा नीचे करेंगे, चेंज कलर का ऑप्शन आएगा दिस साइड, और यहाँ पे हम कलर की जगह ले लेंगे घोस्ट इफेक्ट, ठीक है। घोस्ट इफेक्ट ले लिया, फिर हम लेंगे क्लियर ग्राफिक इफेक्ट, इफेक्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद वो हाइट हो जाएगी, लुक्स में जाके हम हाइट ले लेंगे, और इसको न्यू ब्रॉडकास्ट दे देंगे, इवेंट पे जाएंगे और इसको देंगे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट न्यू मैसेज में जाके हमने इसको दे दिया 7, ठीक है। अब ये जो 7 है ये किसको मिलेगा, एक बार हम सारे इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेते हैं, ताकि बाद में जब आप ये प्रोग्राम बनाओ तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी मैंने ये जो चंकी को दिए थे इंस्ट्रक्शंस, व्हेन आई रिसीव 3, ओके फाइन, ब्रॉडकास्ट 5 कराया था, ठीक है। उसके बाद मैंने किसे दिया था, इसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे तो इसको भी देना है। अब जब इसे 7 मिलेगा तो अब इसे मिलेगा 7, व्हेन आई रिसीव 7, जब इसे 7 मिलेगा तो
तो ये वेट करेगी, कितना वेट करेगी गाइस, 4 सेकेंड का। तो कंट्रोल में जाके हम इसको वेट करा देंगे, कितना, 4 सेकेंड का। 4 सेकेंड का वेट कराया और फिर ये हो जाएगी हमारी हाइट, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है, लाइन भी चेक कर लेते हैं कि लाइन को और इंस्ट्रक्शंस तो नहीं देने। ओके, परफेक्ट है, ठीक है। और ये जो थी, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट टाइम, इसको भी हमें बस इतने ही इंस्ट्रक्शंस देने, ठीक है गाइस, ठीक है। अब बैकड्रॉप का भी हम एक बार स्टेज में जाके बैकड्रॉप के भी सारे इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। व्हेन आई रिसीव, अब इसको भी मिलेगा 7, व्हेन आई रिसीव 7, इवेंट में जाके इसको भी दे देते हैं हम व्हेन आई रिसीव 7, ठीक है। अब ये वेट करेगा, कंट्रोल पे जाएंगे, वेट ले लेंगे 4 सेकेंड का, ये वेट करेगी। वेट करने के बाद क्या होगा, क्लियर कर देंगे ग्राफिक इफेक्ट, डुप्लीकेट ले लेते हैं इसकी। और ग्राफिक इफेक्ट क्लियर करने के बाद फिर से 4 सेकेंड का वेट करेगा, वेट ले लिया हमने, इंस्टेड ऑफ 1 वी विल राइट हियर, 4 सेकेंड का वेट करेगी। और बैकड्रॉप 2, लास्ट वाला जो बैकड्रॉप हमने लिया था ना, स्विच बैकड्रॉप, वही द एंड, ठीक है गाइस। बाकी सब इंस्ट्रक्शंस हम इसको दे ही चुके हैं, ठीक है। अब गाइस, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया एक तरह से सारा का सारा, ठीक है। बस अब ये जो हमारी विच थी, चंकी थी, इसको हमें रिसीव 7 देना पड़ेगा, व्हेन आई रिसीव 7। एंड इवेंट पे जाके हम लेंगे एक बार व्हेन आई रिसीव 2 और एक बार लेंगे व्हेन आई रिसीव 7, दिस वन, ठीक है। जब हमने 2 लिया तो वेट कराएंगे इसको, कंट्रोल पे जाके इसको वेट करा देंगे, कितना वेट कराएंगे गाइस, हम, मैं इसको वेट करा रही हूँ 5 सेकेंड का, फिर ये शो करेगी। तो हम लुक्स में जाके इसको दे देंगे शो का ऑप्शन, दिस वन, ठीक है। और बस इतना ही कराना है और फिर बस व्हेन आई रिसीव 7 2 सेकेंड का वेट करें और फिर ये हाइड हो जाए, वेट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का वेट करेगी और उसके बाद वो हो जाएगी हाइट। तो लुक्स में जाके हम करा देंगे इसको हाइट। अब गाइस, मैंने इसको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट दे दिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रॉपरली पूरा रन करके दिखाती हूँ। कंप्लीट हो गया। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मुझे ये भी बताएं कि मैं किस टॉपिक पर अपनी आगे की वीडियोस बनाऊं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।